स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। और आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे ज़ेनर डायोड के बारे में। तो ज़ेनर डायोड क्या होता है कि ये वैसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसे हैवली डोप्ड करके बनाया जाता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज को मिलाया जाता है। अभी तक जो हम लोग स्टडी कर रहे थे तो वो एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड था। ऑर्डिनरी जो पीएन जंक्शन डायोड होता है तो वो लाइटली डोप होता है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटीज को नहीं मिलाया जाता है। लेकिन ज़ेनर डायोड के बारे में एक बात तो ये याद रखना है कि ज़ेनर डायोड वैसा पीएन जंक्शन डायोड होता है कि जिसे हैवली डोप्ड करके बनाया जाता है, यानी इसमें डोपिंग बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसमें इम्प्योरिटीज को बहुत ज़्यादा मिलाया जाता है। दूसरी बात ये याद रखना है कि ज़ेनर डायोड स्पेशल टाइप का डायोड डिज़ाइन किया जाता है जो अंडर रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करता है, यानी ज़ेनर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट करता है, यानी यानी काम में लाया जाता है। ये फॉरवर्ड बायस में काम में नहीं लाया जाता है, बल्कि रिवर्स बायस में इसे ऑपरेट कराया जाता है, ऑपरेट करता है ये। तो ज़ेनर डायोड हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, और ये स्पेशल टाइप का डायोड होता है जो रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है अंडर ब्रेक डाउन रीजन में। अब यहाँ पर जो ब्रेक डाउन होता है वो ज़ेनर ब्रेक डाउन होता है। तो अब इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड है। तो इसे कैसे बनाया गया होगा, तो इसके एक साइड में ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड किया गया होगा और दूसरे साइड में पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड किया गया होगा। तो ये हो गया एन साइड और ये हो गया पी साइड। इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होगा, मेजोरिटी कैरियर होगा। नंबर ऑफ होल्स कम होगा, यानी माइनॉरिटी कैरियर होगा। इधर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होगा, यानी मेजोरिटी कैरियर होल्स होगा, और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर होगा। अब देखिए, जैसे ही इधर इलेक्ट्रॉन्स और इधर होल्स, यानी इधर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा होने के कारण और इधर होल्स का नंबर बहुत ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का इस तरफ से एन साइड से पी साइड की तरफ डिफ्यूजन हुआ होगा, और इस डिफ्यूजन के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। ये सब बातें हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, आप पिछले वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो देखिए, इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से बने हुए रीजन को कहा जाता है डिप्लीशन रीजन। तो ये हो गया ऑर्डिनरी डायोड। अब अगर इसमें डोपिंग और ज्यादा कर दिया जाए, यानी हैवी डोप्ड कर दिया जाए, बहुत ज्यादा अगर डोपिंग किया जाए, यानी इस तरफ अगर पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटीज को और ज्यादा मिला दिया जाए और इस तरफ ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज को और ज्यादा मिला दिया जाए, तो ये बन जाएगा ज़ेनर डायोड। तो यहाँ पर हम लोग अगर इधर पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटीज को मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसे हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ता जा रहा है, जिसे आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और दिखा सकते हैं। अब देखिए, और इधर जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को मिलाया जाएगा तो होल्स क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा नंबर ऑफ होल्स, और जितना था पहले ऑर्डिनरी डायोड में और ज्यादा ये बढ़ जाएगा। अब देखिए, जब इधर होल्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा और इधर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स ये जो डिप्लीशन रीजन है ये इसको ये इस तरफ पुश करेगा और होल्स इसको इस तरफ पुश करेगा, जिसके कारण ये जो डिप्लीशन रीजन होगा वो उसका जो विथ होगी, उसकी जो विथ यानी चौड़ाई होगा वो कम हो जाएगा, यानी उसका विथ कम हो जाएगा। तो ज़ेनर डायोड में जो डिप्लीशन रीजन होता है उसका जो विथ होता है वो बहुत बहुत कम होता है। ये होता है ऑलमोस्ट 10^-6 मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। 10^-6 मीटर से भी इसका जो विथ होता है डिप्लीशन रीजन का वो कम होता है, और इसके कम होने का रीजन क्या है कि ये हैवली डोप्ड होता है, यानी बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज को मिलाने के कारण
इसका जो डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज कर जाता है। अभी कोई बैटरी का कनेक्ट कनेक्शन नहीं दिया गया है, अभी सिर्फ इस पे हैवी डोप किया गया है, जिसके कारण इसका डिप्लीशन रीजन क्या होता है, घट जाता है। ऑर्डिनरी डायोड के रिस्पेक्ट में जिनर डायोड का जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई कम होती है। अब इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे रिवर्स बायस मोड में। तो जैसे रिवर्स बायस मोड में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पी साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये बैटरी का पी साइड है, इसको निगेटिव से और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको एन साइड से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो वायर से कनेक्ट कर दिए, ये प्लस होगा और इधर माइनस हो गया, इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया। अब जैसे ही इसको कनेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी किसी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ डिक्रीज कर जाता है, और अगर पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होता है, वो बढ़ जाता है। तो जैसे ही इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे बैटरी से रिवर्स बायस कंडीशन में, रिवर्स बायस मोड में, तो इसका जो डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा और इंक्रीज कर जाएगा, थोड़ा इंक्रीज करेगा। लेकिन ऑर्डिनरी डायोड के रिस्पेक्ट में, अगर ऑर्डिनरी डायोड में भी इतना ही वोल्टेज बैटरी, जितना वोल्टेज का ये बैटरी है उतना ही वोल्टेज का बैटरी अगर कनेक्ट किया जाए रिवर्स बायस में, तो ऑर्डिनरी डायोड का जो डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ होगा उसके रिस्पेक्ट में इसका विड्थ बढ़ने के बावजूद भी क्या होगा, इसका विड्थ कम होगा। यानी ऑर्डिनरी डायोड के रिस्पेक्ट में जब जिनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है तो इसके डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ होता है वो कम होता है। तो एक तो है कि इसका विड्थ क्या होगा, कम होगा, समझे। थोड़ा सा कम करके दिखा देते हैं इसको, यानी कि जब कनेक्ट करेंगे हाँ इसका विद कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये जो सपोज दैट वोल्टेज अप्लाई किया गया है यहाँ पर -1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो जैसे वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा -1 वोल्ट तो क्या होगा कि इसका जो विद है थोड़ा इंक्रीज करेगा, लेकिन ऑर्डिनरी डायोड के रिस्पेक्ट में फिर भी क्या होगा, कम होगा। अब अगर हाँ जैसे ही इंक्रीज करेगा तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन हो रहा होगा वो डिफ्यूजन होना लगभग क्या हो जाएगा, बंद होना शुरू हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। तो इधर से जो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर डिफ्यूज नहीं कर पा जाएगा, नहीं करेगा, यानी डिफ्यूजन करेंट निग्लिजिबल होगा। इधर जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है इस पर ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, यानी इसको इधर इधर लाना चाहेगा, साथ ही साथ बैटरी का जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है उसका भी इफेक्ट क्या होगा कि वो ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ लाना चाहेगा, जिसके कारण कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होगा जो हाई काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर जाने देना नहीं चाहेगा। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा कि वो यहाँ से पास करता हुआ इस तरफ चला जाएगा। इसके मूवमेंट के कारण, इस माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण जो करंट का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, और इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है तो ड्रिफ्ट करंट इस तरफ फॉलो करेगा। यानी कि जैसे ही जेनर डायोड में वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा -1 वोल्ट तो उस कंडीशन में करंट इस तरफ फॉलो होगा। यहाँ पर बैटरी का लाइन है, बैटरी के वोल्टेज के लिए ये वाला लाइन है, और करंट के लिए यानी पीएन जंक्शन डायोड जेनर डायोड में जो करंट फॉलो होगा उसके लिए ये वाला लाइन है। तो देखिए बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, बैटरी रिवर्स बायस में कनेक्ट किया गया है तो उसके लिए यानी निगेटिव वोल्टेज के लिए ये वाला लाइन देंगे, और करंट इस डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस अपोजिट डायरेक्शन के लिए ये वाला लाइन, निगेटिव वाला लाइन देंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही -1 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो करंट का ये ग्राफ है, यानी करंट यहाँ पर इतना फॉलो हो रहा होगा,
ये करंट है, लेकिन ये भी करंट क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा, माइक्रो एम्पियर में है तो बहुत कम होगा। अब देखिए जैसे ही वोल्टेज को बढ़ा के करेंगे -2 वोल्ट, तो इसका डिप्लीशन रीजन का वेट क्या होगा, और थोड़ा सा उसका बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन ऑर्डिनरी के रिस्पेक्ट में इतना ही वोल्टेज पे फिर भी क्या होगा वो कम होगा। तो जैसे -2 वोल्ट करेंगे तो यहाँ यहाँ पे करंट यानी कि माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा इधर से इधर जाना चाहेगा, क्योंकि इसके कारण, इसके इफेक्ट के कारण इस पे और ज्यादा फोर्स लगेगा इस तरफ से, तो ये इधर जाना चाहेगा, तो इसके कारण करंट थोड़ा और बढ़ेगा। तो -2 वोल्ट पे करंट यहाँ पर है, इसी तरह से -3 वोल्ट देंगे तो और करंट बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, -4 पे और थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करेगा, फिर भी ये करंट का वैल्यू बहुत कम है। -4 से ज्यादा वोल्टेज पर यानी कि ऑलमोस्ट -5 वोल्टेज पर, यानी कि वोल्टेज जब -5 वोल्टेज या इससे थोड़ा कम ही वोल्टेज होता है, तो चलिए मान के चलते -5 वोल्ट, तो -5 वोल्ट के वोल्टेज पर क्या होता है कि ये जो यहाँ पर इसके कारण यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी चार्ज के चारों ओर क्या होता है, फील्ड होता है। जैसे कि कोई टावर है, मोबाइल टावर, तो मोबाइल टावर के चारों ओर क्या होता है, कवरेज फील्ड होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी ये अगर उस कवरेज फील्ड से आपका मोबाइल फोन बाहर है, किसी का बाहर है, तो ये कहता है कि जो उपभोक्ता का मोबाइल फोन है वो कवरेज फील्ड से क्या है, बाहर है। तो जिस तरह से टावर के चारों कवरेज फील्ड होता है और इस तरह से मैग्नेट के चारों मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस तरह से चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है, इस तरफ होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से इंडिकेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पर ई, जो यूनिफॉर्म होगा, और यहाँ से यहाँ डिप्लीशन रीजन का जो विथ है, अगर सपोज दैट इसे मान लें हम लोग डी, तो इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर निगेटिव चार्ज, इसके कारण जो वोल्टेज यानी जो वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो इस वोल्टेज और इसके इन दो इस और इधर का जो अगर वोल्टेज का जो डिफरेंस है इस तरफ और इस तरफ, अगर ये वोल्टेज को अगर वोल्टेज डिफरेंस यानी वोल्टेज डिफरेंस को अगर वी से इंडिकेट करें, तो वी में और ई में और डी में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस और डी में यानी विथ में, इन तीनों में रिलेशन होता है वी इक्वल टू क्या होता है, ई डी होता है। तो यहां से अगर डी को नीचे के लिए तरफ लेके आएंगे तो वी बटा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब अगर देखिए ये ई और डी एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी डी को अगर बढ़ाएंगे, अगर विथ अगर ज्यादा होगा यहाँ पर का डिप्लीशन रीजन का, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इन चार्ज के कारण उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और अगर डी कम होगा यानी कि डिप्लीशन रीजन का भी अगर कम होगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑर्डिनरी डायोड के रिस्पेक्ट में इतना ही वोल्टेज पर यानी अगर -5 वोल्ट मान के चलते हैं, तो उतना ही वोल्टेज पे क्या होता है कि यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन का जो विथ होता है जीनर डायोड में, वो ऑर्डिनरी डायोड के रिस्पेक्ट में कम होता है, यानी ये जो विथ होता है वो कम होता है। तो कम होने के कारण यहाँ पर जीनर डायोड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ज्यादा होता है, और इस ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यानी कि लगभग -5 वोल्ट पर यहाँ पर जो फील्ड हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है, वो फील्ड का वैल्यू हो जाता है 10^6 वोल्ट पर मीटर, यानी इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डेवलप हो जाता है, 10^-6 बहुत ज्यादा है। अब इस इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है कि यहाँ पर अंदर में अभी बहुत सारा सिलिकन एटम्स है, और एक सिलिकन एटम्स क्या हो रहा होगा, दूसरे सिलिकन एटम्स के इसके साथ से, एक सिलिकन एटम दूसरे सिलिकन एटम के साथ, इसी तरह से ये 4 सिलिकन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए होगा। इस तरह से क्या होगा कि बहुत सारा, बहुत बहुत सारा सिलिकन एटम्स होगा, क्योंकि ये इनिशियल में क्या था, सिलिकन सेमीकंडक्टर था, उसमें डोपिंग किया गया है, तो अंदर में बहुत सारा सिलिकन एटम्स यहाँ पर होगा, और वो उसका जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने नियर वाले 4 सिलिकन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स पर यानी जो जो कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर इतना इतना ज्यादा फोर्स लगेगा कि उस फोर्स के कारण ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये सब ब्रेक करके क्या करेगा, इतना ज्यादा उसे फोर्स लगेगा कि वो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है यानी इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये सब बातें आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स पर, अभी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस पर यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जीनर डायोड में क्या होता है कि जो सिलिकन 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 के साथ जो बॉन्ड बना होता है कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है परजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस पर इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि वो सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है बॉन्ड को ब्रेक करके और फ्री हो जाता है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, यहाँ पर बहुत तेजी से मूव करने लगता है, और उस मूवमेंट के कारण क्या होता है कि यहाँ पर करंट, इस सिचुएशन में करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, और इस सिचुएशन को कहा जाता है, इस सिचुएशन को यानी बैटरी के जिस वोल्टेज पर ये फेनोमेना होता है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उस बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर निकलना शुरू कर देता है, तो इस सिचुएशन, इस फेनोमेना को या इस सिचुएशन को कहा जाता है जीनर ब्रेक डाउन कहते हैं इसे, इसे कहते हैं जीनर ब्रेक डाउन। और बैटरी के जिस वोल्टेज पे ये फेनोमेना होता है उस वोल्टेज को कहा जाता है जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। और इस सिचुएशन के बाद करंट बहुत हाई हो जाता है क्योंकि बहुत सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है, तो इसके कारण करंट क्या होता है, बहुत ही हाई हो जाता है। तो सपोज दैट यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सपोज करके चलते हैं कि -4 और -5 के बीच इस वोल्टेज पे यहाँ पर हुआ है, तो ये जो वोल्टेज हो जाएगा वो कहलाएगा जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसे कहेंगे जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज है। तो इसके बाद यानी कि जीनर ब्रेक डाउन के बाद करंट देखते हैं हम लोग बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई हो जाता है करंट, और वोल्टेज को थोड़ा सा भी अगर और बढ़ाएं हम लोग चेंज करें तो करंट बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो इस तरह से इस सिचुएशन में ही जेनर डायोड का उपयोग यानी जेनर डायोड का यूज किया जाता है, ऑपरेट कराया जाता है, यानी जेनर डायोड जो ऑपरेट कराते हैं हम लोग वो जीनर ब्रेक डाउन में ऑपरेट कराया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये बर्न क्यों नहीं करता है, जिस तरह से एवलांच ब्रेक डाउन में बर्न कर जाता है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकलता है वो कोलिजन के कारण निकलता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स आकर यहाँ पे टकराता है, और इस कोलिजन्स के कारण यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, वो आगे जाके टकराता है, वो उसको निकालता है। तो यहाँ पर जो एवलांच ब्रेक डाउन में हम लोगों ने देखा था कि वहां कोलिजन के कारण एक इलेक्ट्रॉन दो से चार हो जाता है, चार से फिर आठ होता है, इस कोलिजन के कारण हिट जनरेट होता है और वहां ऑर्डिनरी डायोड जल जाता है। लेकिन यहां पर कोलिजन नहीं हो रहा है बल्कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड से, इसलिए यहां पर हिट वैसा जनरेट नहीं होता है और ये बर्न नहीं करता है बल्कि अच्छे से ऑपरेट करता है। तो जीनर ब्रेक डाउन वैसा, सॉरी, जीनर डायोड वैसा डायोड होता है जो हेवली डोप्ड होता है और ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है इन जीनर ब्रेकडाउन रीजन में। तो ये हो गया आपका जीनर डायोड हो गया, और ये उसका बी आई कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जीनर डायोड का बी आई कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपसे कोई कहे कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, तो फॉरवर्ड बायस में जैसे नॉर्मल या ऑर्डिनरी डायोड बिहेव करता है उसी तरह से ये भी बिहेव करेगा, यहाँ पर का जो वोल्टेज जैसे डिप्लीशन रीजन यहाँ पर वैनिश होगा तो करंट अचानक यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फॉलो करने लगेगा। तो ये इस तरह का फॉरवर्ड बायस में इस तरह का ऊपर से ग्राफ हो जाएगा, लेकिन इसको जनरली जो यूज किया जाता है वो रिवर्स बायस में यूज किया जाता है, इसलिए ये इसका बी आई कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है यहाँ पर। और जीनर डायोड का सिंबल क्या होता है, तो देखिए ऑर्डिनरी डायोड का सिंबल ये होता है, हम लोग देखा था ऑर्डिनरी डायोड का ये सिंबल होता है। अब जीनर डायोड का सिंबल क्या होता है, तो यहाँ पर जेड बना हुआ होगा, इस तरह से जेड की तरह होगा, देखिए ये जीनर डायोड का सिंबल है, समझिए ये है सिंबल, सिंबल ऑफ जीनर डायोड। तो ये सारी बातें थी किससे रिलेटेड, जीनर डायोड से रिलेटेड ये सारी बातें थी।
और इसके बाद इसका जो यूज क्या आता है वो वोल्टेज रेगुलेशन में क्या आता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अब ये सारी चीजें यानी जो इसका डिफिनेशन होगा और इसके बारे में जितनी बातें मैंने बताई वो सब डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा आपको। आप वहां से जाकर के नोट्स करके आप वहां से अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। यहां पर ये हो जाएगा फिगर ए और यहां पर ये हो जाएगा फिगर बी और ये हो जाएगा फिगर सी। जहां पे लिखा हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में फिगर ए कॉपी फिगर ए तो ये कॉपी करना है उसमें, और जहां पे लिखा होगा फिगर बी तो ये वाला फिगर बनाना है, जहां पे फिगर सी लिखा होगा तो ये वाला फिगर बनाना है। ज़ीनर डायोड ठीक है, ओके, थैंक यू।